नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिल सकता है स्थायी नीति का तोहफा। जी हां, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। क्या परिणाम निकला है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हिमाचल की प्रीति वर्धन के सिर सजा मिस इंडिया का खिताब। जी हाँ, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में सेवारत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द ही स्थायी नीति का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए स्थायी नीति बनाने की कवायद तेज कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्ष 2000 से 31 मार्च 2022 तक ड्राइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्यौरा 5 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। ये जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी और ट्रस्ट से मांगा गया है, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रतिनिधि बनाई जा सके। प्रदेश भर में 8वीं कक्षा के लिए करवाई गई नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम एससीईआरटी ने घोषित कर दिया है। प्रदेश के 70 परीक्षा केंद्रों में 5,860 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 832 विद्यार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। इसकी सूची जो है वो एससीईआरटी ने अपनी साइट पर अपलोड कर दी है। चयनित विद्यार्थी अपने दस्तावेजों को 30 अप्रैल तक स्कूल प्रबंधन के पास दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके बाद इसकी सूची केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दी जाएगी। 832 विद्यार्थियों को 4 वर्षों की प्रतिमाह जो है वो 1,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड 2022 के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जून को लेगा। 2,450 सीटों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 17 से 32 आयु वर्ग के अभ्यर्थी 5 से 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड के शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए प्रदेश भर में 2,450 सीटों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 19 जून को प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 17 से 32 आयु वर्ग के अभ्यर्थी 5 मई से लेकर 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओल्ड एज होम चंडीगढ़ में नेशनल मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2022 स्पर्धा में मंडी शहर की प्रीति वर्धन को मिस इंडिया के ताल से नवाजा गया है। निजी इंटरटेनमेंट कंपनी की ओर से करवाई गई इस स्पर्धा में देश भर से 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रविनगर निवासी प्रीति वर्धन को मिस इंडिया का ताज पहनाया गया। प्रीति की 12वीं कक्षा की शिक्षा जो है वो राजकीय कन्या महाविद्यालय मंडी से हुई है। नर्सिंग की डिग्री ग्वालियर के नर्सिंग संस्थान से उन्होंने हासिल की है। इन दिनों वह बीकेसी कोविड अस्पताल बांद्रा मुंबई में सेवारत है। झारखंड विधानसभा की ध्यानाकर्षण समिति ने मंगलवार को शिमला में विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पहली ई विधान प्रणाली का मुआयना किया। विधानसभा के लोक संपर्क और प्रोटोकॉल उपनिदेशक हरदयाल भारद्वाज ने बताया कि 9 सदस्यीय इस दल ने ई विधान के इस्तेमाल को लेकर सवाल जवाब किए। इस मौके पर हरदयाल भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल विधानसभा को पहली बार अगस्त 2014 में देश की पहली ई विधानसभा बनने का गौरव हासिल हुआ था। ई विधानसभा के माध्यम से पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। हिमाचल विधानसभा में अब तक कई राज्यों से विधानसभा समिति के पदाधिकारी ई विधान प्रणाली को जानने के लिए दौरा कर चुके हैं। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में 1060 किलोमीटर नई सड़कों का प्रारूप तैयार कर लिया है। अगले महीने से इन सड़कों का निर्माण शुरू होगा। इसके साथ ही 2065 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने का काम विभाग युद्ध स्तर पर छेड़ने जा रहा है। सोमवार को सचिवालय में एक साथ कई बैठकें विभाग के मुख्यमंत्री की अगुवाई में की गई। बजट के लिए निर्णयों को अमल में लाने के लिए बैठकें आयोजित हुई। इनमें उन सभी निर्णयों पर मंथन किया गया जिन्हें प्रदेश सरकार ने बजट में शामिल किया है। सरकार ने लोक निर्माण के लिए इस बार बजट में 4,373 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के पीछे की पहाड़ी की ग्राउटिंग को लेकर सोमवार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ की एक टीम श्री नैना देवी में पहुंची। मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर और मंदिर न्यास के एसडीओ प्रेम शर्मा इस दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ टीम इंडिया के साथ उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले जीआईसी के डायरेक्टर के साथ मंदिर न्यास के आयुक्त पंकज राय के साथ इस पहाड़ी की ग्राउटिंग के लिए एक मीटिंग हो चुकी थी, जिसके लिए मंदिर के पीछे भाग की
पहाड़ी को और पक्का करने का कार्य योजना जो है वो तैयार की जा रही थी। मंदिर के पीछे की तरफ पहाड़ी व चट्टानों के गिरने के कारण मंदिर न्यास मंदिर के साथ लगती सारी पहाड़ी की ग्राउटिंग के लिए लगातार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के साथ संपर्क में थे ताकि मंदिर की पहाड़ी को कोई खतरा ना हो सके। पंजाब के सरहिंद की निजी कंपनी मैसर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड 21 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे उपरोजगार कार्यालय नदौन में सिक्योरिटी गार्ड की 100 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उनकी आयु 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में 21 अप्रैल को प्रातः 10 बजे अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आईटीआई ऊना के प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह ने बताया कि मेले में अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव द्वारा इस्कोट लिमिटेड फरीदाबाद हरियाणा काबरू मारुति बावल हरियाणा इग्लू लिमिटेड बावल हरियाणा आनंद NVH गुड़गांव सहित हानून क्लामेट भिवाड़ी राजस्थान के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा जिसमें आईटीआई से एनसीबीटी एससीबीटी के तहत टर्नर फीटर मैकेनिक मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मशीन मैकेनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थी को कंपनी द्वारा 11,000 रुपये प्रतिमा वेतन और कंपनी के नियमानुसार अन्य सुविधाएं दी होंगी। उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में जिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति बैठक का आयोजन आज बचत भवन चंबा में किया गया। बैठक में जिला कर्मचारी महासंघ द्वारा तैयार किए गए एजेंडे पर विस्तृत तरीके से चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों में 4, 9, 14 के तहत वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर विभागवार सूची तैयार करने को कहा। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भरमौर के तहत एजेंडे में अधिक मामले होने के कारण उपायुक्त ने SDM भरमौर को समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिए। कर्मचारियों के लिए आवास आवंटन कमेटी में कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए निर्देश देते हुए उपायुक्त ने आवास आवंटन के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत नया उभरता भारत हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।